वाली है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। बाय, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आलू चाट टिक्की के लिए मैंने यहाँ पे गुड़ ले लिया है। तो इस आलू चाट टिक्की के लिए धमाकेदार हम चटनी बना लेते हैं, वो भी मीठी वाली। तो मैंने यहाँ पे एक चमचा भर के ले लिया है गुड़, देसी गुड़ है, आप यहाँ पे कोई भी गुड़ ले सकते हैं और चीनी भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, एक कप पानी। तो अच्छे से इसे पकने देते हैं और हाई फ्लेम कर लेते हैं गैस का। और मैं यहाँ पे इमली नहीं है मेरे पास, तो मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच भर के आमचूर पाउडर। जब आपके पास इमली का पल्प ना हो तो आप यहाँ पे आमचूर पाउडर का इस्तेमाल करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये भी खट्टा ही रहता है, तो इससे भी बहुत अच्छी चटनी हमारी बनती है। इसमें उबाल आ गया है, तो तकरीबन आधी चुटकी मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ। और यहीं पे मैं 1 चम्मच इसमें डाल दूंगी चिली फ्लेक्स। आप यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधा चम्मच मैं इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करूंगी। इसमें मैं सफेद नमक डाल दूंगी टेस्ट के अनुसार। और यहीं पे आधा चम्मच डाल दूंगी काला नमक। और चटनी हमारी रेडी होने वाली है, अरे ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं इसे, और इससे चटनी हमारी एकदम सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, चटनी हमारी रेडी हो गई, कितनी गाढ़ी है, ऐसी ही हमें चटनी चाहिए। और इस चटनी को बनाने के लिए सिर्फ मुझे लगे हैं 4 से 5 मिनट, तो बहुत फटाफट बन जाती है आमचूर की चटनी। तो गैस को मैं बंद कर दे रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू उबाल लिया था, तो इसे कद्दूकस कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ढेर सारा आलू लिया है, मेरी फैमिली बड़ी है तो आलू को एकदम मेन, तो इसी तरह से मैं क्रश कर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे क्रश कर लिया है, तो आधा चम्मच कोई भी गरम मसाला डाल देना है इसके अंदर। और मैं यहाँ पे 1 चुटकी हल्दी डाल दूंगी। और यहीं पे डाल देना है हमें स्वाद अनुसार नमक, छोटा चम्मच इसमें काला नमक ऐड करूंगी। और मैंने यहाँ पे मिर्ची 2 से 3 कट कर रखा है हरी वाली, इसे डालूंगी। और धनिया डाल दूंगी। यहाँ पे 2 चम्मच अरारोट डालना है इसके अंदर, तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, एकदम मुलायम बना लेना है। आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी डाल सकते हो, उससे भी क्रिस्प अच्छा बना रहता है अगर ना हो तो। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसकी टिकिया बना लेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आलू का आटा हमारा तैयार हो गया, अच्छा सा डो बन रहा है, तो इसकी हम टिकिया बना लेंगे। अब फ्रेंड्स, हथेलियों को ऐसे गीला करना है और यहाँ से थोड़ा हमारा आलू उठाना है इस तरह से, और इसकी टिकिया बना लेना है इस तरह से गोल गोल। आप अपना मन चाहा कितना बड़ा आपको आकार देना है उतना बड़ा दे सकते हैं। और इस तरह से इसी बना लेना है आलू की टिक्की। तो ये फ्रेंड्स, हमारी टिक्की रेडी है। इसी तरह से आगे का बैच में बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सभी आलू की टिक्कियां रेडी हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 चम्मच में तवे पे तेल डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से फैला लेना है, ये देखिए इस तरह से। तो तवा हमारा गर्म हो गया है और फ्लेम गैस का मीडियम है। तो चलिए दोस्तों, आलू फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच आरा रोट लिया है, इसे प्लेट में फैला लिया है। तो हल्का सा इसे बस आरा रोट में कोट करूंगी आलू की टिक्कियों को, बाकी का मैं ये झाड़ लूंगी। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी आलू की टिक्की बहुत ही खस्ता बनेगी। तो इसे तवे पे मैं छोड़ दे रही हूँ इस तरह से। मैं यहाँ आलू की टिक्कियों को शेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए बहुत ही मस्त लगता है, और घर के कुछ ही चीजों से ये बन जाता है, तो बाजार जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक। 2 से 3 मिनट के अंदर ये पक जाते हैं, थोड़ा नीचे का साइड क्रिस्पी हो जाएगा तब हम इसे पलटी मारेंगे। तो तेल की बूंदे कुछ मैं ऊपर से भी डाल दे रही हूँ, इससे हमारा जो टिक्की है बहुत अच्छा बनेगा। तो थोड़ा मैं इसे पलट के देखती हूँ कैसा हुआ है ये। देखिए फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, इसे मैं पलटने वाली हूँ। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो देखिए हमारे आलू कितने क्रिस्पी तैयार हो गए हैं। ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया इनके ऊपर, तो ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आलू टिक्की मस्त फ्राई हो रही है, कुछ ही मिनट में रेडी हो जाएगी, इसे हम सर्व करेंगे, तो ये बहुत झटपट बन जाता है। आई होप रेसिपी आपको पसंद आ रही है। तो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। सुपर टेस्टी आलू की टिक्की हमारी रेडी है, तो मैं इसे डिश आउट कर ले रही हूँ। ये देखिए लग रही है ना मस्त। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी ये रेसिपी हमारी तैयार हो जाती है। इसी तरह हमारा दूसरा बैच भी फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, आलू की टिक्की हमारी रेडी हो गई है, तो इसे सजाने के लिए मैंने जो बनाई थी आमचूर की चटनी और यहाँ पे फेटा हुआ दही। ये दही है, इसका पानी मैंने छान के इसे चीनी डाल के फेट लिया है, और ये हमारी हरी चटनी है, ये लहसुन अदरक और धनिया की चटनी है, बहुत ही मस्त है। यहाँ पे मैंने काला नमक लिया है, और ये जंजीरा का पैकेट है, जब मेरे पास चाट मसाला खत्म हो जाता है तो मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। चलिए बनाते हैं आलू चाट टिक्की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है हमारी आलू की टिक्की, और इस पे हम दही डालेंगे। ये देखिए इस तरह से दही डाल दिया है मैंने ढेर सारा, ये बहुत ही मस्त लगता है। और इस पे मैं डालूंगी हमारी हरी चटनी, ये देखिए, और हमारी आमचूर की चटनी है, तो इसे भी मैंने ढेर सारा डाल दिया है। और हम डालेंगे इस पे थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर देना है, और ये हमारा काला नमक और थोड़ा सा जंजीरा, मजा आ जाएगा। ये तो एकदम चाट मसाला रेडी है सर्व करने के लिए, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप इसे होली पे भी दे सकते हैं मेहमानों को खाने के लिए, मजा ही आ जाएगा। हमारी आलू चाट टिक्की को और स्पेशल बनाने के लिए मैं इस पे डाल रही हूँ हमारी नमकीन, आप अपनी मनपसंद की तो का सेव डाल सकते हैं। तो लीजिए पेश है आलू चाट टिक्की रेस्टोरेंट स्टाइल, या फिर फ्रेंड्स सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस खतरनाक बहुत ही आलू चाट की टिक्की मजेदार बनी है और बहुत ही मस्त बनी है। आप इसे मेहमानों को देंगे खाने के लिए, मेहमान आपका घर का पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरह आप बनाइए खाइए, और मेरी रेसिपी आपको कैसे लगे कमेंट करना ना भूले। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स मैं इसे काट के दिखाती हूँ इसके अंदर की फीलिंग कैसी है। ये देखिए एकदम मस्त बनी है, एकदम सुपर टेस्टी है, इसे खा के मजा ही आ जाएगा। ये देखिए कितना मस्त बना है। तो आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत रेसिपी, तो आप ठेले का स्वाद भूल जाएंगे, तो ये याद जरूर रखेंगे। तो ये जरूर फ्रेंड्स फैमिली को सबको खिलाइए, और मेरी रेसिपी को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें।